नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोरोना जांच में सदर अस्पताल की लापरवाही आई सामने, बिना सैंपल लिए युवक के मोबाइल पर आई रिपोर्ट। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर डॉक्टरों ने डिजिटल माध्यम से चलाया जागरूकता अभियान, लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील। नहीं थम रहा है तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से दो की हुई मौत, एक की हालत गंभीर। लॉकडाउन में फी देने के लिए प्राइवेट स्कूल संचालक बना रहे हैं दबाव, अभिभावकों ने डीएम और विधायक को ज्ञापन देकर फीस माफ कराने की लगाई गुहार। और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उपमेयर ने थामा लोजपा का हाथ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ली सदस्यता। अब समाचार विस्तार से। जिले में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है, इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही में कोई कमी नहीं आई है। ताजा मामला सदर अस्पताल का है, जहां सोमवार को 4 संदिग्ध अपना कोरोना जांच कराने पहुंचे, पर जांच के लिए सैंपल सिर्फ 3 व्यक्ति का ही लिया गया। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस संदिग्ध का जांच के लिए सैंपल नहीं लिया गया था, उसके मोबाइल पर भी जांच की रिपोर्ट का संदेश आ गया, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे और आक्रोशित लोगों ने अस्पताल परिसर में हंगामा करते हुए सभी संदिग्धों की जांच दोबारा करने की मांग की। एक तरफ कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी ओर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से लोग परेशान हैं। चार लड़का सब बहुत डर गए, हम लोग को भी कोरोना चाहे तो निकल नहीं जाए, पॉजिटिव नहीं हो जाए, तो हम लोग चार लड़का फिर जांच कराने आए हैं सदर हॉस्पिटल भागलपुर में, क्योंकि चार आदमी रजिस्ट्रेशन कराए और 3 आदमी सैंपल दिए, एक आदमी को सर में दर्द करने लगा, वो चला गया रूम, क्योंकि चार लड़का में 3 आदमी ही सैंपल दिए और एक लड़का चला गया रूम, तो रिपोर्ट चारों का आ गया। सैंपल आदमी दिए 3 आदमी और 4 आदमी रिपोर्ट कैसे आ गया, तो इसी तरह इसका 2 का नेगेटिव आया है, एगो पॉजिटिव आया, एगो तो जांच ही नहीं कराया था, उसका भी नेगेटिव आ गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व में प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। पूरे विश्व में 325 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको किसी न किसी प्रकार का हेपेटाइटिस है, जो आने वाले समय में उनके लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इसके बारे में लोग सचेत नहीं है। WHO ने इस साल का थीम हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर रखा है। इधर डॉक्टरों ने बताया कि COVID-19 के दौर में भी हेपेटाइटिस से मौतें हो रही हैं। वहीं भागलपुर API के सचिव डॉक्टर राजीव सिन्हा ने बताया कि इस साल WHO का फोकस आने वाली पीढ़ी में हेपेटाइटिस वायरस का प्रसार पर अंकुश लगाने पर है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव सिन्हा ने कहा कि हेपेटाइटिस के उन्मूलन के लिए API भागलपुर भी अपने स्तर से जागरूक करने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। डॉक्टर राजीव ने बताया कि यह लीवर में होने वाला सूजन है, जिसका मुख्य कारण वायरस का संक्रमण है, जो आमतौर पर दूषित भोजन खाने, गंदा पानी पीने या संक्रमित चीजों के इस्तेमाल से फैलता है। साथ ही डॉक्टर सिन्हा ने हेपेटाइटिस के 5 वायरस A, B, C, D और E की जानकारी दी और बताया कि इनमें टाइप B एवं टाइप C घातक रूप लेकर लीवर सिरोसिस और कैंसर को जन्म देता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हम जनता को जागरूक करने के लिए बनाया जाता है कि जैसे हेपेटाइटिस B, C, A, D, E वगैरह जो वायरसेस हैं जो कि हेपेटाइटिस करते हैं, इसमें से हेपेटाइटिस बी और सी और डी जो लीवर को परमानेंट डैमेज करते हैं, जो आगे जाके सिरोसिस ऑफ लीवर और कैंसर में बदलता है, और जो भी इससे पीड़ित होते हैं उनकी आर्थिक और दशा खराब हो जाती है, परिवार की स्थिति खराब हो जाती है, और ये समाज में बहुत बुरी तरह फैला हुआ है। पूरे विश्व में 390 मिलियन लोग इससे पीड़ित हैं। तेज रफ्तार के कारण हो रही सड़क दुर्घटना में आए दिन लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। मंगलवार की सुबह बांका में एक बड़ी दुर्घटना हुई। भीषण सड़क हादसे में बालू लदे ट्रक से कुचलकर मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि बाइक पर सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। घटना बांका सदर थाना क्षेत्र में बांका कटोरिया रोड पर हुई। जानकारी के अनुसार हादसे में शिकार लोग बांका सदर थाना क्षेत्र के दुधारी गांव के निवासी हैं। बता दें कि सुरेश राय, पत्नी सत्यभामा एवं प्रमोद राय तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर बांका की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बांका से कटोरिया जाने वाली सड़क पर डाडा मोड़ के समीप बालू लदे ट्रक से बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रक भी खेत में लुढ़क गई। बाइक सवार ट्रक के नीचे आ गए और घसीटाते हुए ट्रक के साथ काफी दूर तक चले गए, जिसमें सुरेश राय और प्रमोद राय की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं मृतक सुरेश राय की पत्नी सत्यभामा देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये मेरा मामा ससुर लगता है। अच्छा, ये जा रहा था अपना लड़की, लड़की का ननद का शव ने काट लिया था, तो देखने के लिए जा रहा था वही एक्सीडेंट हो गया, हम लोग को सुबह मालूम हुआ। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है? डड़ा मोड़ में। अच्छा, कितने लोगों की मौत है? दो आदमी। कौन कौन है ये? ये मेरा मम्मिया ससुर है, उसका गांव वाला है। भागलपुर में प्राइवेट स्कूल के द्वारा लगातार फीस मांगे जाने को लेकर अभिभावकों ने जिला के प्रभारी डीएम और नगर विधायक अजीत शर्मा से मिलकर प्राइवेट स्कूल में फीस माफी को लेकर मंगलवार को ज्ञापन सौंपा। अभिभावकों का कहना है कि कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन के कारण छोटे व्यवसाय करने वाले लोग दो वक्त के भोजन के मोहताज हैं और किसी तरह से उनका घर चल रहा है, लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल वाले ऑनलाइन परीक्षा में बच्चों को फीस जमा किए बिना बैठने नहीं दे रहे हैं। अभिभावकों का साफ कहना है कि जब खाने के लाले पड़े हैं तो फिर स्कूल फीस कैसे जमा करवाएं। सरकार को वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्राइवेट स्कूल को फीस माफी का आदेश देना चाहिए। वहीं नगर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोरोना काल और बाढ़ की त्रासदी से जल्द फैसला लेकर प्राइवेट स्कूल की फीस माफी पर भी ध्यान देना चाहिए। मेरे बच्चे सेंटरसा स्कूल में पढ़ रहे हैं और प्रिंसिपल का कहना है कि हम लोग ऑनलाइन क्लास करवा रहे हैं और टीचर को पेमेंट देना है। हम ये पूछते हैं, जिसके घर में दो बच्चे तीन बच्चे हैं, सबके घर में मोबाइल तो है नहीं, वो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? हम तो यही देखे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई में 10 से 15 बच्चा रहते हैं और सेंटरसा स्कूल के एक सेक्शन में 80 से 90 बच्चा है। कौन सी पढ़ाई हो रही है? सिर्फ फीस लेने के लिए नाम का ऑनलाइन क्लास है। हम लोग स्कूल की तरफ से बार बार फीस के लिए नोटिस भेजा जा रहा है और अगस्त के फर्स्ट वीक से एग्जाम है सेंटरसा स्कूल से, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि जब तक आप फीस जमा नहीं करेंगे तब तक बच्चे को जो ऑनलाइन टेस्ट होने वाली है उसका लिंक नहीं भेजा जाएगा। और ये तो अलग बात है, और दूसरी बात, जब ऑनलाइन क्लास हो रही है तो स्कूल की तरफ से बच्चे को बार बार फीस के लिए बोला जा रहा है। बिल्कुल ये सही बात है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि इस लॉकडाउन मार्च के बाद जो लोग रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, जो लोग प्राइवेट में काम करते हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में। और अभी क्या कह रहा है स्कूल कि 3 तारीख को लिंक भेजना है जो कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई शुरू करने के लिए, तो लिंक कह रहा है कि जब तक आप फीस जमा नहीं करोगे तब तक लिंक नहीं देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इस समय लोग बहुत ही ज़्यादा पैसे के मामले में टूटे हुए हैं और अभी जब स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई तो फीस किस बात कर लेंगे प्राइवेट स्कूल। आपको चूंकि 3 तारीख का मामला बहुत नज़दीक है, इसलिए आपको संज्ञान लेना चाहिए, आपको निर्देश देना चाहिए। और भी कई स्टेटों में फीस माफ हुआ है। विधानसभा चुनाव के पहले लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत करने में जुटे चिराग पासवान को युवाओं का साथ मिल रहा है। भागलपुर के डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने मंगलवार को लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। राजेश वर्मा को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने खुद दिल्ली में सदस्यता दी। राजेश वर्मा भागलपुर के युवा चेहरा हैं और उन्होंने चिराग पासवान के नेतृत्व में LJP के लिए जी जान से काम करने का संकल्प लिया है। लोजपा की सदस्यता लेने के बाद राजेश वर्मा ने कहा कि वह चिराग पासवान के युवा सोच से बेहद प्रभावित हैं और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट मिशन से प्रभावित होकर उन्होंने LJP की सदस्यता ली है। भागलपुर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। महज 25 दिनों में 2500 से अधिक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जिले में राज्य सरकार के निर्देश पर सदर अस्पताल और JLNMCH सहित 8 केंद्रों पर कोरोना की जांच हो रही है, जहां औसतन प्रतिदिन 350 टेस्ट हो रहे हैं। बता दें कि कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोग जांच कराने केंद्र पर पहुंच रहे हैं, पर उनका जांच नहीं हो पा रहा है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। वहीं ऑनलाइन जांच के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी अब तक शुरू नहीं हो पाई है। सदर अस्पताल में जांच के लिए अभी भी लोगों की भीड़ उमड़ रही है। जांच की गति धीमी होने से लोग काफी परेशान हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे डॉक्टर शशिकर एमडी रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG। अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र के साहेबगंज स्थित नीलकोठी गंगा घाट में मंगलवार की दोपहर चर्च रोड निवासी वृद्ध महेश यादव की गंगा की तेज धार में डूबने से मौत हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक अपनी भैंस को लेकर नीलकोठी घाट स्थित बांशा पर चराने गया था। भैंस चराने के क्रम में वह भैंस के पूंछ को पीछे से पकड़कर गंगा पार करने लगा। इसी बीच नदी में फैली जलकुंभी में उसका पांव फंस गया और वह पानी की तेज बहाव में बह गया। स्थानीय लोगों की मदद से महेश को ढूंढने की काफी कोशिश की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही नाथनगर CO राजेश कुमार, नाथनगर एवं ललमटिया पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और SDRF टीम को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची SDRF की टीम ने शव की काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। CO ने बताया कि शव की तलाश जारी है और जल्द ही उसे बरामद कर लिया जाएगा। ये घटना लगभग 12:30 के आसपास की है। महेश यादव नाम का एक व्यक्ति जो है, वो भैंस चराने के दौरान वो नदी में डूब गया। इसकी खोजबीन की जा रही है, SDRF टीम भी आई हुई है। जैसे ही लाश मिलेगा फिर अगले तरफ कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है सर, क्या कारण है सर? संभावना है ये बाढ़ की पानी आई हुई थी और पानी अथा पानी था। कच्चू ये कच्चू का जो पौधा उगड़ा है वो इसकी संख्या ज़्यादा थी, जिसके कारण जो है वो अपने आप को बचा नहीं पाया। कोशी धार में आए बाढ़ के पानी में डूबने से 10वीं की छात्रा की मौत हो गई। मृतक छात्रा की पहचान कदवा थाना क्षेत्र नवीन नगर निवासी अशोक यादव की 14 वर्षीय पुत्री खुशबू कुमारी के रूप में हुई है। घटना को लेकर परिजनों ने बताया कि सोमवार को खुशबू झपरू दास टोला स्थित पुलिया पर बैठी थी, इसी दौरान वह फिसल कर पानी में गिर गई, जहां उसकी मौत हो गई। इधर खुशबू के पानी में डूबने की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने काफी खोजबीन की और कोशी की धार से शव को बरामद किया। घटना को लेकर पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही कदवा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बच्चे आग लड़े खाना लगा वहाँ दिल बस रेती मुगले अथी भागकर टांग स्लिप करी कर बस वो डूबी गई। बच्चे की नाम बोले? खुशबू कुमारी। घर? नवीन नगर पुनम मोड़ पर झरका हुआ। नवगछिया के मध्य विद्यालय नगरह में मध्याह्न भोजन योजना का चावल स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के बीच वितरित किया जा रहा है। सोमवार को कुछ छात्रों को चावल नहीं मिलने के बाद परिजनों ने हंगामा करते हुए प्रभारी पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाया। दरअसल कोरोना महामारी को लेकर जिले के सभी विद्यालय बंद हैं। वहीं सरकार के निर्देश पर 2री कक्षा से 8वीं कक्षा के छात्रों के बीच मध्याह्न भोजन का चावल वितरण किया जा रहा है।
चावल को लेकर हंगामा कर रहे बच्चों के परिजनों ने बताया कि वर्ग 2 से 5 तक के छात्रों के बीच 8 किलो जबकि 6 से 8वीं तक के छात्रों के बीच 12 किलो चावल का वितरण किया जाना है, लेकिन स्कूल के प्रभारी बच्चों को कम चावल दे रहे हैं, जिससे नाराज ग्रामीण स्कूल परिसर में हंगामा करने लगे। वहीं प्रभारी हरिबल्लभ झा ने बताया कि स्कूल में चावल कम रहने के कारण छात्रों को कम चावल दिया जा रहा है, जिससे नाराज होकर लोग हंगामा कर रहे हैं। इधर ग्रामीणों ने नौगछिया एसडीओ को आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। नहीं उठाने के लिए आया, बोलता है नहीं है नाम। जब उस दिन आया तो फर्स्ट बार दिन आठवां के नाम लिया पुकारा, उस दिन बोला कि है नाम, बस हल्ला गुल्ला करने लगा, बोला कि दूसरे दिन आना, अब बंद हो गया। आया तो फिर वही सुबह से बोलता है नाम नहीं है, कौन से देंगे, बोला कि लिस्ट में देखो नाम नहीं है, लिस्ट में है तो क्या बात, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं टाल रहे। 8 किलो कितना किलो बांट रहे हैं सर? 8 किलो हिसाब से बांट रहे हैं जो है। कितना किलो? 8 किलो हिसाब से बांट रहे हैं। 8 किलो हर बच्चे को मिल रहा है सर? बांट रहे जो हिसाब से। और अभी जो है 6 to 8 वाले को, छठे से लेकर आठवें वाले को कितना किलो दे रहे हैं? 12 किलो सब जो है सब से लिखा हुआ है। भागलपुर के बाथ थाना क्षेत्र के देवधा गांव में नदी में डूबने से मंगलवार को एक बुजुर्ग महिला अनिया देवी की मौत हो गई। घटना को लेकर परिजनों ने बताया कि 2 दिन पहले मृतक महिला खेत में रोपनी करने के लिए गई थी, जहां से वापस घर नहीं लौटी थी, जिसके बाद परिजनों ने महिला की काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। मंगलवार को नदी में शव को तैरता देख ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद बाथ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नदी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। इस्माइलपुर प्रखंड के फुलकिया कमला कुंड समेत कई गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके कारण वहां रह रहे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नुसरत वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव मौलाना जाहिद हलीमी ने इन इलाकों का जायजा लिया और सैलाब में फंसे लोगों की हर संभव सहायता करने की बात कही। मौलाना जाहिद ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य व्यापक स्तर पर चलाने की मांग की है। मुजफ्फरपुर जिला की सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और कई जगहों पर पानी के तेज बहाव के कारण तेज कटाव जारी है। मंगलवार को जोका नदी पर बनी क्षतिग्रस्त पुल को पार कर रहा एक व्यक्ति पानी के तेज बहाव का शिकार हो गया और करीब 200 मीटर तक बह गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर व्यक्ति को बचाया। बता दें कि जिला का औराई प्रखंड बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में शुमार है। पानी के प्रलय से यहां के निवासी सहमे हुए हैं। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना जांच में सदर अस्पताल की लापरवाही आई सामने, बिना सैंपल लिए युवक के मोबाइल पर आई रिपोर्ट। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर डॉक्टरों ने डिजिटल माध्यम से चलाया जागरूकता अभियान, लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील। नहीं थम रहा है तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से 2 की हुई मौत, 1 की हालत गंभीर। लॉकडाउन में फी देने के लिए प्राइवेट स्कूल संचालक बना रहे हैं दबाव, अभिभावकों ने डीएम और विधायक को ज्ञापन देकर फीस माफ कराने की लगाई गुहार। और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उपमेयर ने थामा लोजपा का हाथ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ली सदस्यता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।